गांव में दो लड़कियां रहती थी जो काम से बहुत परेशान थी। अब आगे सोनी, हम तुम्हें काम वाली को लेकर आते हैं, हम बहुत परेशान हो गए। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें काम वाली की सिस्ट में जरूरत है, और मैं तो परेशान हो गई रोज रोज का ये काम करके। जाओ लेके आओ कोई अच्छी सी काम वाली। नमस्ते मेम साहब। चलो चलो अली, ये बताओ तुमने कहीं काम करा है? हाँ मेम साहब मैंने करा है। लगता तो नहीं है, ऐसा करो उसे काम बता दो, देखते हैं तीन चार दिन अगर सही करती तो सही है, वरना से उठा देते हैं काम से। हाँ जी मेम साहब आप जैसा बोलते हो मैं वैसे ही करने का है। पता नहीं मैम ने बात करी भी होगी या फिर नहीं भी। सलोनी मैंने इससे बात की, इसने मुझसे बात करी थी कि मुझको नगद पैसे नहीं मिले, मेरी तबीयत खराब है। अरे रामू तो इनके बातों पर ध्यान मत देता, इनका तो रोज का ही ड्रामा लगा रहता है। हमारे पास भी पैसे नहीं, हम भी कमा के लाते हैं और ये भी कमा के लाते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये बस हमसे करते हैं, इनसे हड़पते हैं, बस इनकी बातों में तो कभी मत आइए। चल मैम साहब मेरे पैसे। अरे तेरा तो ये रोज का ड्रामा लगा रहता, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं। आए तू बड़ी, चल निकल। क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने बोला है कि बहुत सारे पैसों की जरूरत है, पर वो सारे पैसे लाऊंगी कहाँ से? क्या हुआ, क्या हुआ सोनम, क्यों रो रही हो तुम? कौन है? अरे और कोई नहीं, मैं वाइफर हूँ, जादुई वाइफर। मैं क्या बताऊँ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने बोला है कि उसको काम की, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे मिलेंगे तो उसको दवाइयाँ भी मिलेंगी ना। चिंता क्यों कर रही हो, मैं जादुई वाइफर हूँ, जो तुम मांगोगी वो तुमको अवश्य मिलेगा, ये लो मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लो। इतने सारे पैसे में तो मेरा बेटे का इलाज अच्छे से हो पाएगा। और ये पैसे ले जाओ, अपने बेटे का इलाज अच्छे से कराओ। धन्यवाद वाइफर, वैसे आप महाराज लगते हो कहीं के? नहीं नहीं मैं कहीं का महाराज नहीं हूँ, मैं सच्चाई का महाराज हूँ। धन्यवाद महाराज जी, मैं आपका आपको